हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीडू के प्रेडिक्शन। गाइस कैसे हो आप सब, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले पाकिस्तान सुपर लीग 2023 के 22वां T20 मैच के बारे में। दूसरे मैच होने वाला है क्वेटा के लिए डेटियर्स और कराची किंग्स के बीच में। दोस्तों, अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले, ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको मैच से रिलेटेड टॉस मैच सेशन की जानकारी आपको दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 6 मार्च को इंडिया टाइम के अनुसार शाम के 7:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी पाकिस्तान में। अब बात करते हैं फ्रेंड दोनों टीमों का, टीम फॉर्म चेक करते हैं लास्ट 5 मैच में क्या क्या हुआ। तो रिसेंटली अगर क्वेटा के लिए डिटेल्स की बात करें तो जहां 5 मैच से 4 मैच हार के आ रही है, तो वहीं 1 मैच जीत के आ रही है। वहीं दूसरी टीम अगर कराची किंग्स की बात करें तो जहां 5 मैच में से 3 मैच हार के आ रही है, 2 मैच जीत के आ रही है। तो ये हैं दोनों टीमों का टीम फॉर्म। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पे कराची किंग्स 1 मैच से आगे चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं। लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात करें तो जहां पे क्वेटा के लिए डेटियस का 20% देखने को मिल रहा है, तो वहीं कराची किंग्स का 30% देखने को मिल रहा है। एवरेज स्कोर की बात करें तो क्वेटा के लिए डेटियस का 145 है, तो वहीं कराची किंग्स का 174 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो क्वेटा के लिए डेटियस का 168 है, तो वहीं कराची किंग्स का 201 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो क्वेटा के लिए डेटियस का 110 है, तो वहीं कराची किंग्स का 143 है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर लगभग दोनों का इक्वल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। चलते हैं वेदर की, आज का मैच वेदर कैसी रहेगी। तो मोस्टली क्लियर रहेगी, 37.4 डिग्री सेल्सियस रहेगी। अगर वही ह्यूमिडिटी की बात करें तो 76% रहेगी, वही 0% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पिच की और आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है। तो इस पिच पे अभी तक 2 मैच प्ले किए गए हैं, जो दोनों मैच काफी अच्छी हुई है। अगर इस पिच का फर्स्ट बैटिंग एवरेज स्कोर की बात करें तो इस पिच पे फर्स्ट बैटिंग में 199 रन लग सकती है। वहीं सेकेंड इनिंग में देखें तो सेकेंड इनिंग में 188 रन लगने की संभावना है। इस पिच की सरफेस की बात करें तो यहाँ पे जो भी टीम अगर टॉस जीत के बैटिंग करती है तो उस टीम की मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकती है, क्योंकि डिफेंड में काफ़ी अच्छे रन स्कोर बनाए जा सकते हैं इस पिच पे। वही अगर चेसिंग करने वाली टीम की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है चेसिंग करने में। अगर जो भी टीम अगर स्ट्रांग होगी तो वो मैच इस पिच पे चेस भी कर सकती है। तो दोनों के बीच में आज का मैच इस पिच पे खेला जाएगा, जो काफ़ी ज़बरदस्त होगा। अब आगे बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो पहली टीम क्वेटा के लिए डिटेल्स की बात करें, नो डाउट अच्छी टीम है, बट यहाँ पे क्वेटा के लिए डिटेल्स का अपना बॉलिंग सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले मैच में देखें तो पिछले मैच में कुछ बॉलिंग कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। वहीं दूसरी टीम अगर कराची किंग्स की बात करें, नो डाउट ये भी टीम काफ़ी ज़बरदस्त है, बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप दोनों का कॉम्बिनेशन इसका भी जबरदस्त देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पे कराची किंग्स को भी अपना बॉलिंग सुधारने की ज़रूरत है। तो दोनों के बीच में मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगी, काफ़ी ज़बरदस्त भी होगी, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा ये मैच। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बॉन्स पे। अब चलते हैं फ्रेंड दोनों टीमों के की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम क्वेटा के लिए डेटियस के की प्लेयर की बात करें तो जेसन रॉय, सरफराज अहमद, मार्टिन गुप्टिल, ऑडियन स्मिथ। वहीं दूसरी टीम कराची किंग्स के की प्लेयर की बात करें तो मैथ्यू वेड, जेम्स विंस, इमाद वसीम, बेन कटिंग। ये रहे दो टीमों की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए कराची किंग्स हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोगों को क्या लगता है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों, लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।